दोस्तों, बहुत अरसे पहले की बात है। एक बादशाह था, उसकी एक खूबसूरत और एक लौती बेटी थी। अपनी खूबसूरती और दौलत की वजह से वो बहुत मगरूर और गुस्ताख हो गई थी। जब भी कहीं से उसके लिए शादी का पैगाम आता तो वो उसे ठुकरा देती और उसका खूब मजाक उड़ाती थी। एक दिन बादशाह ने बड़ी दावत की और उसने शहजादी से शादी करने वाले तमाम उम्मीदवारों को बुलाया। सब लोग अपने अपने मर्तबे के लिहाज से कुर्सियों पर बैठ गए। शहजादी दावत में अपनी कनीजों के साथ बड़ी मगरूराना अंदाज में आई। वो जिस उम्मीदवार के पास से गुजरती उसको बड़ी हराकत से देखती। जब वो एक शहजादे के पास पहुंची जो बहुत मोटा था, तो उसने अपने कनीजों से हंसते हुए कहा कि ये तो गोल्डम है। दूसरे उम्मीदवार को देखकर कहा कि कैसा खंबे की तरह लगता है। एक शहजादा बहुत मोटा था, तो उसने कहा कि जरा छोटू मोटू को तो देखो। एक नवाब बहुत ज्यादा गोरा था, तो शहजादी ने उसे सफेद चूहा कहा। एक अमीर का रंग सुर्ख था, तो उसने उसे मुर्ग की कली कहकर पुकारा। इसी तरह वह हर उम्मीदवार को बेइज्जत करती रही, लेकिन वह एक बादशाह को देखकर बहुत हंसी, क्योंकि उसकी दाढ़ी थी। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, जरा इसे देखो, इसने अपने चेहरे पर झाड़ पूंछ उगा रखे हैं। बादशाह ने जब देखा कि उनकी बेटी ने मेहमानों की बहुत बेइज्जती की है, तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने भरे दरबार में ये ऐलान किया कि शहजादी पसंद करे या ना करे, मगर मैं अब उसकी शादी किसी फकीर से करूंगा। इस ऐलान के बाद तमाम लोग वहां से चले गए। कुछ देर के बाद एक आवारा गर्द गवैया आया, जो गली कूचों में घूम घूम कर गाना गाया करता था। उसने शाही महल के नीचे खिड़की के करीब होकर गाना गाना शुरू कर दिया। बादशाह ने उसकी आवाज सुनी तो एक खादिम को हुक्म दिया कि उस फकीर को अंदर बुला लाओ। वो खादिम फटे पुराने कपड़ों वाले फकीर को ले आया। उस फकीर गवैये ने बादशाह और शहजादी के सामने बहुत अच्छा गाना गाया और बादशाह से इनाम मांगा। बादशाह ने कहा, तुमने बहुत अच्छा गाना गाया है, मैं तुम्हें बहुत अच्छा इनाम दूंगा। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा। जब शहजादी ने यह सुना तो वह बदहवास हो गई। वो बहुत रोई पीटी, मगर बादशाह ने उसकी एक ना सुनी। बादशाह ने उसे डांटते हुए कहा, मैंने अपने मेहमानों के सामने कसम खाई थी कि तुम्हारी शादी किसी फकीर से करूंगा, अब मैं वो कसम पूरी करने जा रहा हूँ। ये कहकर बादशाह ने काजी को बुलाया और मगरूर शहजादी की शादी आवारा गर्द गवैये के साथ करा दी और फिर हुक्म दिया कि तुम अपने शौहर के साथ जाने की तैयारी करो। शहजादी रोती पीटती फकीर के साथ चली गई। रास्ते में वो एक शिकारगाह से गुजरे। इतनी बड़ी शिकारगाह देखकर वो शहजादी बहुत हैरान हो गई। उसने फकीर से पूछा, यह शिकारगाह किसकी है? उस फकीर ने जवाब दिया कि मैंने सुना है कि तुमने एक दाढ़ी वाले बादशाह का मजाक उड़ाया था, यह शिकारगाह उसी की है। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो यह तुम्हारी मिल्कियत हो जाती। शहजादी ने ठंडी सांस लेकर कहा, आह, मैंने ये क्या कर दिया। उसके बाद वो एक खूबसूरत बाग में पहुँचे। उसे देखकर फिर शहजादी ने पूछा, ये किसके हैं? फकीर ने आहिस्ता से कहा, ये बाग भी उसी दाढ़ी वाले की है। शहजादी ने अफसोस भरे लहजे में कहा, मैं भी कितनी बदनसीब हूँ। फिर वो बड़ी अजीमुशान शहर में दाखिल हुई। इतना बड़ा और खूबसूरत शहर देखकर शहजादी हैरान रह गई। शहजादी ने पूछा, इस शहर का मालिक कौन है? फकीर ने उसे बताया कि उसी दाढ़ी वाले बादशाह का है, अगर तुम उससे शादी कर लेती तो यह सब कुछ तुम्हारा होता। शहजादी ने पछताते हुए कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, काश मैं उससे शादी कर लेती। फकीर शौहर नाराज होते हुए कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मगर तुम मेरे होते हुए दूसरे मर्द की बातें क्यों कर रही हो? क्या मुझ में कोई कमी है? इस तरह बातें करते हुए एक झोपड़ी के पास पहुँचे। शहजादी ने कहा, कैसी बदनुमा झोपड़ी और छोटी सी झोपड़ी है, ये किसकी है? फकीर ने कहा, ये मेरा घर है और यही वो जगह है जहाँ हमें जिंदगी गुजर बसर करनी है। शहजादी ने कहा, तुम्हारे नौकर कहाँ है? फकीर ने कहा, हमें नौकरों से क्या काम,
तुम घर का काम कर सकती हो। अब आग जलाओ और मेरे लिए खाना बनाओ। मैं बहुत थक गया हूँ, क्योंकि शहजादी को खाना पकाना नहीं आता था, इसलिए फकीर ने उसकी मदद की और कुछ देर बाद उन्होंने उल्टा सीधा खाना बनाकर खा लिया और सो गई। दूसरी सुबह फकीर ने शहजादी को जगाया और घर साफ करने को और दूसरी काम करने को कहा। शहजादी पूरा दिन काम करती रही, ऊपर से जली कटी बातें भी सुनाती रही, मगर सब्र के सिवा कोई चारा ना था। इसी तरह उन्होंने कई दिन गुजार दिए। फिर एक वक्त ऐसा आया कि उनके पास खाना खाने तक के लिए कुछ ना रहा। एक दिन फकीर ने कहा, मैंने जो कुछ कमाया था सब खत्म हो गया है, अब तुम्हारे कमाने की बारी है, मैं तुम्हें बैत लाकर देता हूँ, तुम मुझसे टोकरियाँ बुनना। ये कहकर वो जंगल की तरफ चला गया और बैत काट कर ले आया। शहजादी ने टोकरियाँ बुनना शुरू कर दी। उसने पहले कभी इतना मेहनत का काम नहीं किया था, इसलिए उसकी उंगलियाँ जख्मी हो गई और उससे खून बहने लगा। यह देखकर उसके शौहर ने कहा, मेरा ख्याल है तुम यह काम नहीं कर सकती, तुम्हें कुछ सूत लाकर देता हूँ, तुम उससे कपड़ा बुन लेना। मगर वो ये भी ना कर सकी। फकीर ने कहा, तुम तो मेरे लिए बिल्कुल बेकार, कोई काम नहीं कर सकती, तुमसे शादी करके बड़ा नुकसान हुआ है। बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे लिए मिट्टी के बर्तन ला कर देता हूँ, तुम बाजार में जाके बेच देना। मगरूर शहजादी ने अकड़ कर कहा, मगर जब मैं बाजार में खड़ी होंगी तो मेरे मुल्क के लोग मुझे इस हाल में देखकर खूब हंसेंगे। फकीर ने कहा, यह मेरा मसला नहीं है, अगर तुम भूख से मरना नहीं चाहती हो तो तुम्हें यह काम करना ही पड़ेगा। मिट्टी के बर्तन बेचने का काम बहुत अच्छा चल रहा था, मगर एक खूबसूरत लड़की को लोग बाजार में बर्तन बेचते हुए देखते तो उस पर तरस खाकर कुछ न कुछ खरीद लेते। वो बर्तन बिकने के बाद उसे और बर्तन लाकर दिया। इसी दौरान एक बदमिजाज सिपाही का वहाँ से गुजर हुआ। उसने बाजार के बीच बर्तन रखे हुए देखकर उन्हें लात मारकर तोड़ दिया और कहा, आइंदा इस तरह रास्ता मत घेरना। शहजादी बहुत परेशान हुई। उसने सारा वाकिया घर आकर अपने शौहर को सुनाया। शौहर ने कहा, तुम इंतहाई बेवकूफ हो, तुमसे किसने कहा था कि बीच बाजार में बर्तन लेकर बैठ जाओ, आखिर लोगों को वहाँ से गुजरने में दुश्वारी होती है। मेरा ख्याल है कि तुम, यह भी तुम्हारे बस का काम नहीं है। खैर मैं शाही महल जाऊंगा, हो सकता है कि तुम्हारे लिए वहाँ काम निकल आए। ये कहकर वो शाही महल रवाना हो गया। शाम को फकीर ने घर वापस आया और कहा, शाही महल में तुम्हारे लिए एक बावर्चन की जगह मिल गई है, अब कम से कम हमें खाने को खूब मिल जाएगा। और इस तरह एक मगरूर शहजादी मददगार बावर्चन बनकर रह गई। वह हर रोज सुबह से शाम तक बावर्ची खाने के सारे काम करती रही और शाम को लोगों का बचा हुआ खाना लेकर वापस आ जाती। और इस तरह दोनों मियां बीवी का गुजर होने लगा। महल आए हुए उसे कुछ ही दिन गुजरे थे कि महल में कोई शादी की तकरीब होने वाली है। मुकर्ररा दिन जब मेहमान आना शुरू हुआ, वो शहजादी बावर्ची खाने की खिड़की से देख रही थी। हर तरफ बड़ी शान शौकत और धूमधाम नजर आ रही थी, लेकिन शहजादी अपनी बदकिस्मती पर आंसू बहा रही थी और अपनी गुरूर तकब्बुर और अपनी बेवकूफी पर पछताती रही थी। उस दौरान कुछ खात्मा आई और बहुत सारे मजेदार खाने दिए, जो उसने टोकरी में रख दिए और घर की तरफ चल पड़ी। अभी वो महल के दरवाजे से गुजर ही रही थी कि अचानक एक खूबसूरत लिबास में एक शानदार और खूबसूरत शख्स उसका रास्ता रोक लिया। शहजादी ने निगाह उठाकर देखा, यह तो वही दाढ़ी वाला बादशाह है जिसका उसने खूब मजाक उड़ाया था। वो खौफ और शर्म से कांपने लगी। इतने सारे लोगों को देखकर उसका अपने ऊपर काबू ना रहा और घबराहट में टोकरी उसने हाथ से गिरा दी। उस टोकरी में सारा खाना चारों तरफ बिखर गया और तमाम दरबारी हंसने लगे। शहजादी का ये हाल हुआ कि किसी तरह जमीन फट जाती और वो उसमें समा जाती। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और भागना चाहा कि बादशाह ने उसे लपक के दोबारा पकड़ लिया और बड़ी नरमी से कहने लगे, डरो मत,
क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं वही आवारा गर्द गवैया हूँ जो तुम्हारे साथ झोपड़ी में रहता हूँ। मैं वही सिपाही हूँ जिसने तुम्हारे बर्तन तोड़े थे। यह सब कुछ मैंने इसलिए किए कि मैं तुम्हें पसंद करता था और तुमसे शादी करना चाहता था। अब तुम्हारे गुरूर का इलाज हो चुका है और तुम्हें अच्छा सबक मिल गया है। पिछली बातों को भूल जाओ। देखो, आज हमारी शादी की तैयारियां हो रही है। उसी वक्त कनीजे आई और उसे अपने साथ ले गई और शहजादी को दुल्हन का लिबास पहनाया। जब वो दोबारा हाल में आई तो देखा कि उसके वालिदैन और उसके तमाम दरबारी भी वहाँ मौजूद हैं। सब लोगों ने उसे शादी की मुबारकबाद दी। अब शहजादी बिल्कुल बदल चुकी थी। उसका गुरूर, अकड़ और दूसरों से नफरत खत्म हो चुकी थी। उसने जिंदगी गुजारने का ढंग सीख लिया था। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक फिर नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।